Mine is just a reflex organ. Reacts to everything. Talks me that ranch. A warrior does not give up what he loves. He finds the love in what he does. I train 7 days a week, 50 weeks out of the year. सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के कुछ ऐसी अमेजिंग मूवीज़ के बारे में जिनको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, नंबर 14 में है हैक्सॉ रिज। दोस्तों, ये मूवी 2016 में आई एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल वॉर मूवी है जिसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्या होगा अगर युद्ध जंग में बिना किसी बंदूक या बम गोले के सहारे पार्ट लेना चाहता हो, क्योंकि उसका अब यह मानना है कि अगर किसी ऊपर जीत पानी हो तो प्यार से बढ़कर कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। दोस्तों, इस मूवी की सबसे बेहतरीन लाइन है, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लिव विथ माई सेल्फ इफ आई डोंट स्टे ट्रू टू वॉट आई बिलीव। नंबर 13 में है दोस्तों द गॉड फादर। दोस्तों, यह मूवी 1972 में आई एंड IMDb में इसकी रेटिंग 9.1। दोस्तों, तीन भागों में बनी यह फिल्म गैंगस्टर फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। एंड दोस्तों, यह मूवी मारियो प्यूजे द्वारा लिखी हुई किताब पर आधारित है, जो इटालियन गैंगस्टर डॉन वीटो कॉर्लियोने एंड उसके बेटे माइकल की कहानी पर आधारित है। दोस्तों, बॉलीवुड में बनी लगभग सभी गैंगस्टर मूवीज़ में इसकी छाप देखने को जरूर मिलती है। दोस्तों, इस मूवी की सबसे बेहतरीन लाइंस हैं, आई रिस्पेक्ट दोज दैट टेल मी द ट्रूथ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज एंड नेवर हेट योर एनिमीज इट अफेक्ट्स योर जजमेंट। दोस्तों, नंबर 12 में है द डार्क नाइट। 2008 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9। दोस्तों, यह मूवी DC कॉमिक्स के काल्पनिक हीरो बैटमैन पर आधारित। दोस्तों, इसे सुपर हीरोज सीरीज की सबसे बेहतरीन मूवीज में माना जाता है एंड ग्लोबली इसने 1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। नंबर 11 में है दोस्तों फाइट क्लब। 1999 में आई दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.8। दोस्तों, इस अमेरिकन मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रैड पिट, एडवर्ड नॉर्टन एंड हेलेना बॉनसम कार्टर ने। दोस्तों, यह मूवी 1990s के दशक की सबसे विवादित और चर्चित फिल्मों में से एक है। दोस्तों, इस मूवी की रिलीज के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कई फाइट क्लब शुरू हो चुके थे। दोस्तों, यह एक असाधारण मूवी है जिसमें एक्टिंग, साउंड ट्रैक एंड सीन्स को कहानी में इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, यू विल सिंपली से वाओ। नंबर 10 में है दोस्तों फॉरेस्ट गंप। दोस्तों, यह मूवी 1994 में आई एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। दोस्तों, टॉम हैक्स द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म एक ऐसे आर्मी जवान की कहानी है जिसका बचपन में IQ लेवल बहुत ही कम होता है, परंतु दोस्तों वह आगे आने वाले समय में सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस मूवी की स्क्रिप्ट, एक्टिंग एंड डायरेक्शन तीनों ही अमेजिंग है। दोस्तों, नंबर 9 में है फाइंडिंग नीमो। दोस्तों, 2003 में आई इस एनिमेटेड मूवी IMDb रेटिंग है 8.1। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी द्वारा रिलीज यह कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी कुछ एक अमेजिंग मूवीज में से एक है। अगर इसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। नंबर 8 में जो मूवी है दोस्तों, उसका नाम है गुडविल हंटिंग। 1997 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3। दोस्तों, इस अमेजिंग मूवी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। दोस्तों, इस मूवी की कुछ बेहतरीन लाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वी आर ऑल इवेंचुअली ट्राइंग टू फाइंड अवर पर्पस इन लाइफ, सम टेक लॉन्गर देन अदर्स बट अ लिटिल हेल्प एंड अ पुश इन द राइट डायरेक्शन हेल्प्स स्पीड अप द प्रोसेस। एजुकेशन इज ओवररेटेड अनलेस यू हैव द टैलेंट एंड एम्बिशन टू बैक इट अप। एंड इन लास्ट दोस्तों, आपको पता चलेगा इस मूवी की मेन थीम, नॉलेज इज पावर। नंबर 7 में दोस्तों है इंटरस्टेलर। दोस्तों, यह मूवी 2014 में आई एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। दोस्तों, अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज पसंद करते हैं तो यह अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। दोस्तों, इसमें स्पेस, टाइम ट्रेवल, टाइम डिलेशन एंड यूनिवर्स के बारे में इतने अच्छे से बताया गया है जो आपको दोस्तों किसी और मूवी में नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस मूवी का सबसे फेमस डायलॉग है, Mankind was born on earth, it was never meant to die here. जिसका मतलब है मानव जाति की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, धरती में मनुष्यों के रहने लायक वातावरण ना होने एवं मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए ग्रहों की तलाश ही इस मूवी की मेन थीम है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि खराब मौसम की वजह से धरती पर अन्न का संकट पैदा हो गया है एंड मानव जाति को बचाने का पूरा जिम्मा कुछ अंतरिक्ष यात्रियों पर आ जाता है जो वार्म होल से गुजरकर मानव के लिए एक नया घर खोजेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही अमेजिंग साइंस फिक्शन मूवी है जिसको शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, नंबर 6 में है द मैट्रिक्स।
1999 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.6। दोस्तों यह भी एक अमेजिंग साइंस फिक्शन एंड एक्शन मूवी है। दोस्तों यह मूवी एक फ्यूचर की व्याख्या करती है जो यह बताती है कि ह्यूमन रियलिटी जो हमें दिखाई पड़ती है वो वास्तव में एक मैट्रिक्स है। दोस्तों इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम नियो को अन्य लोगों के साथ मशीनों के खिलाफ विद्रोह में शामिल किया जाता है जिन्हें उनके ड्रीम से मुक्त करके यथार्थ स्थिति में भेजा जाता है। दोस्तों यह फिल्म अपने एक विजुअल इफेक्ट बुलेट टाइम के लिए काफी मशहूर है जो किसी भी शॉट को स्लो मोशन में प्रोग्रेस करने के लिए अलाउ करती है। दोस्तों नंबर 5 में जो मूवी है उसका नाम है इंसेप्शन। 2010 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7। दोस्तों इसको दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइंस फिक्शन मूवीज में से गिना जाता है। दोस्तों सपनों पर आधारित इस मूवी में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सपनों के रास्ते कुछ जासूस घुसपैठ करते हैं, फिर इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटाने के बदले ऐसा न्योता मिलता है जो किसी अन्य टारगेट के सबकॉन्शियस माइंड में किसी नए आइडिया को ईजाद करने को प्रेरित करता है। दोस्तों यह मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में आपको समझ में नहीं आने वाली। दोस्तों इसमें एक खुफिया संगठन है जो एक प्रायोगिक सैन्य तकनीक द्वारा अपने टारगेट के अंतर्मन में सेंध लगाकर और एक दूसरे के साझा सपनों के अनुभवों के जरिए उनसे जुड़ी जानकारियां बाहर निकालते हैं। दोस्तों इनका टारगेट होता है एक जापानी बिजनेसमैन। दोस्तों इसमें सपनों के अंदर जाना एंड सपनों के अंदर भी जाना, इतनी सारी लेयर्स के बारे में बताया गया है कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों यह अभी तक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। दोस्तों इस मूवी का सबसे लास्ट सीन जो होता है वह और भी कन्फ्यूजिंग है। इसमें आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये वाकई में सपना है या वास्तविकता है। नंबर 4 में दोस्तों मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन। दोस्तों यह मूवी 1994 में आई एंड इसकी IMDb रेटिंग 9.2। दोस्तों यह दुनिया की सबसे हाईएस्ट IMDb रेटिंग पाने वाली मूवी है जिसमें एक आदमी को जेल हो जाती है उसकी बीवी के कत्ल करने के इल्जाम में जो कि उसने किया ही नहीं होता। तो इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे वह इस जेल से निकलने में कामयाब हो जाता है जो अंत में इसको बहुत इंस्पायरिंग बनाता है। दोस्तों यह मूवी कहती है कठिन रास्तों को देखकर आप हार कर निराश होकर अपनी स्थिति को दोष देकर बैठ सकते हैं या फिर अपने अदम्य साहस से असंभव सी दिखने वाली मंजिल को आशा की डोर थामे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी की सबसे बेस्ट लाइन है होप इज अ गुड थिंग मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग्स एवर डाई। मतलब उम्मीद अच्छी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एंड अच्छी चीज़ें कभी मरा नहीं करती। दोस्तों नंबर 3 में जो मूवी है उसका नाम है पीसफुल वॉरियर। दोस्तों 2006 में आई यह मूवी 1980 के नोवेल वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर बाय डैन मिलमैन पर आधारित है। दोस्तों अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा, मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। दोस्तों यह बहुत ही अमेजिंग मूवी है जिसमें डैन मिलमैन जो एक स्टूडेंट रहता है जिमनास्टिक रहता है उसकी लाइफ को सॉक्रेट्स कैसे बदलता है इस मूवी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों इस मूवी में कुछ ऐसे बेहतरीन सीन्स हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, उनमें से कुछ जबरदस्त क्यूट्स हैं। एवरीवन वांट्स टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट्स गुड फॉर यू, दे डोंट वांट टू फाइंड योर ओन आंसर, they want you to believe theirs and if you don't get what you want you suffer and even when you get exactly what you want you still suffer because you can't hold on to it forever and there are no ordinary moments there is always something going on। तो दोस्तों अगर इस मूवी को आपने नहीं देखा है तो जरूर इस मूवी को देखिएगा, एक बेहतरीन इंस्पायरिंग मूवी आपको देखने को मिलेगी। नंबर 2 में है दोस्तों पेले बर्थ ऑफ अ लेजेंड। दोस्तों यह मूवी ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले की जिंदगी पर आधारित है एंड उनके 1958 फीफा वर्ल्ड कप जीतने तक के सफर के बारे में है। दोस्तों इस अमेजिंग मूवी में म्यूजिक दिया है AR रहमान सर ने, तो जरूर इस मूवी को देखिएगा। नंबर 1 पर दोस्तों मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। IMDb पर रेटिंग है दोस्तों इसकी 7.9। दोस्तों यह एक सच्ची कहानी है जो एक सफल इंसान के संघर्ष की है। अपने जीवन के संघर्ष काल में जब पैसे गवा देने के बाद पत्नी साथ छोड़ देती है और वह अपने बच्चे के साथ कैसे उन कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता हासिल करता है, इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हॉलीवुड मूवीज की कुछ सीरीज के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।